नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेन्स वियर, बंधन बैंक के सामने, भारती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। संगीनों के साए में पड़े वोट, समस्तीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में मतदान संपन्न। आधी आबादी ने भी खूब दिखाया दम, बढ़ चढ़कर लिया मतदान में हिस्सा। आकर्षण का केंद्र बने रहे आदर्श मतदान केंद्र। लगातार कार्यरत रहा कंट्रोल रूम, डीएम एसएसपी स्वयं करते रहे मॉनिटरिंग। तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चियों की मौत, गांव में पसरा मातम, बिरौल प्रखंड के पर्री गांव में हुआ हादसा। खादी वस्त्र नहीं विचार है, इस विषय पर स्कूली बच्चों ने रखी बेबाक राय। न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। हलवारा गांव में गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु शिविर का हुआ आयोजन, जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। और पुलिस सेवा सामाजिक दायित्व का निर्वहन, बोले डॉक्टर मुश्ताक, सीएम कॉलेज दरभंगा में दारोगा परीक्षा के लिए। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। इस शुभारंभ पर केडी हीरो लाए हैं उपहारों की झड़ी। केडी हीरो NH57 कम टू ऑल मोर मब्बी दरभंगा। आओ भगत एवं सत्कार में गर्म जोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंस वियर, बंधन बैंक के सामने, भारती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जींस, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट, आए और फर्क महसूस करें। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज, हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट दोनार चौक दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% ब्याज पर भी है प्रोडक्ट अवेलेबल। डायल करें 8409130705। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। In the field of education, a name to trust.
8 1 9 7 4। और समाचार अब विस्तार के साथ। संगीनों के साय में पड़े वोट, समस्तीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में मतदान संपन्न। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोकसभा उपचुनाव संपन्न। समस्तीपुर लोकसभा सीट के लिए संगीनों के साय में पड़े वोट। 23 समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव 2019 के तहत मतदान हुआ। दरभंगा जिले के अंश भाग में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस चुनाव में लगभग 45% मतदान होने की सूचना प्राप्त हुई है। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना अभी तक नहीं मिली है। दरभंगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबूराम मतदान कार्य की पल पल खबर लेते रहे और आवश्यकता अनुसार संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते रहे। 23 समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों यथा 78 कुशेश्वर स्थान, अनुसूचित जाति एवं 84 हायाघाट में कुल 494 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कार्य पूरा कर लिया गया। 78 कुशेश्वर स्थान अनुसूचित जाति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 46.16% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं 84 हायाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 42.75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। औसत मतदान से 45% प्रतिवेदित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसमें सशस्त्र बल के साथ स्टैटिक दंडाधिकारी, सेक्टर दंडाधिकारी, गश्ती सह संग्रहण दल दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, विशेष जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी शामिल हैं। जहाँ लेडीज खड़ा है, हाँ हाँ जी, लोकसभा चुनाव है, समस्तीपुर का चुनाव हो रहा है। हम लोग बूथ संख्या 33 पे मध्य विद्यालय अफजला में वोट गिराने के लिए आए हुए हैं। हम लोग अपने बारी का इंतज़ार बहुत देर से कर रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान हो रही है, लंबी कतार लगी हुई है। इस बार विकास के मुद्दा पे हम लोग वोट करेंगे। ये समस्तीपुर लोकसभा के उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर यहाँ 3 बूथ है, 31, 32, 33, 3 बूथ है। मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है और सुबह से देख रहे हैं कि लंबी कतार में लोग आ रहे हैं और वोट गिरा रहे हैं, शांतिपूर्वक अपना ID और दिखा करके अपना जा रहे हैं। अपने पी बाजेगा तब समझ ना कि पार गया। दो बजे रिपोर्ट दो बजे, हाँ हो गया। इधर है, इधर है, पकड़ी।
सीरियल नंबर 160 बटन दबा के पर्ची ऐसे उठा लीजिए तो पर्ची उठाइए हाथ में ले लीजिए ना सर पर्ची है तो उठाइए कतो साल लिए Thank you.
एक रेखा देवी रिंकू देवी नाम है लेकिन कार्ड कहाँ है? कार्ड कहाँ है? कार्ड तो अपने चश्मे में देखिए सरकार के तरफ से तो बहुत सुविधा है, जैसे कि बुजुर्ग आदमी के लिए हेल्थ चेकअप का, पानी का, बच्चे के खिलौने का, बैठने के लिए व्यवस्था है, विकलांग के लिए रैंप है, प्लस आवाज नहीं निकल आदर्श बूथ बनाया गया है यहाँ पर। सरकार का जो उपलब्धि है उसमें सब सुविधा है, पानी का व्यवस्था है, बच्चे को खिलौना का व्यवस्था है, नाश्ता पानी का व्यवस्था है, सब चीज का व्यवस्था है। देख सकते हो उद्देश्य है कि बूथ पे जो आएंगे मतदाता बूथ देने के वोट आने के लिए, तो उनको बताना है कि किधर के दो बूथ हैं, दोनों बूथ में किसके किसको जाना है। Thank you.
आधी आबादी ने भी खूब दिखाया दम, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया मतदान में हिस्सा। आधी आबादी ने भी खूब दिखाया दम, महिला मतदाताओं ने भी लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, किया मतदान। सीरियल नंबर 160। आकर्षण का केंद्र बने रहे आदर्श मतदान केंद्र, सभी सुविधाओं से युक्त आदर्श मतदान केंद्र पर पहुंच मतदाताओं को मिली काफी खुशी। आकर्षण का केंद्र रहे आदर्श मतदान केंद्र, सभी सुविधाओं से युक्त आदर्श मतदान केंद्र पर वोटिंग करने पहुंचे मतदाताओं की खुशी का ठिकाना न था। लगातार कार्यरत रहा कंट्रोल रूम, डीएम और एसएसपी स्वयं करते रहे मॉनिटरिंग। मतदान के दौरान लगातार कार्यरत रहा जिला नियंत्रण कक्ष, डीएम और एसएसपी स्वयं करते रहे मॉनिटरिंग। तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चियों की दुखद मौत, गांव में पसरा मातम, बिरौल प्रखंड के पर्री गांव में हुआ हादसा। बिरौल प्रखंड अंतर्गत पर्री गांव में तालाब में नहाने के क्रम में 3 बच्चियों की डूब जाने से दुखद मौत हो गई। प्रशासन ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया है। मृतक बच्चियों के परिजनों को 4,00,000 रुपए अनुग्रह अनुदान का भुगतान हो रहा है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया गया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की गई हैं। डूबकर मर जाने वाली बच्चियों में अंजनी कुमारी, पिता गुंजन ठाकुर उम्र लगभग 10 वर्ष, नंदनी कुमारी पिता राजकिशोर ठाकुर उम्र लगभग 10 वर्ष एवं दुर्गा कुमारी पिता भुवनेश्वर ठाकुर उम्र लगभग 9 वर्ष के नाम शामिल हैं। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी बिरौल को मृतक बच्चियों के परिजनों को आज ही 4,00,000 रुपए अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अंचलाधिकारी बिरौल द्वारा इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया गया कि मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए अनुग्रह अनुदान की राशि चेक के माध्यम से आज ही दे दी जाएगी। खादी वस्त्र नहीं विचार है, इस विषय पर स्कूली बच्चों ने रखी बेबाक राय। न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल अलफगंज कादिराबाद दरभंगा के प्रांगण में गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर खादी वस्त्र नहीं विचार है, इस विषय पर अंतर विद्यालयीन भाषण प्रतियोगिता पाटलिपुत्र सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स पटना के नेतृत्व में आयोजित हुई। इसमें मुख्य अतिथि महात्मा गांधी महाविद्यालय के व्याख्याता प्रोफेसर शत्रुघ्न साहब, प्रोफेसर सीताराम साहब, प्रोफेसर विनोद कुमार महतो एवं विद्यालय प्राचार्य तलत आरा बेगम एवं निदेशक रियाज अली खान ने विचार व्यक्त किया। इस प्रतियोगिता में एंजल हाई स्कूल, दरभंगा पब्लिक स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, होली मेरी स्कूल तथा न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भाग लिया तथा भाषण के द्वारा अपना विचार व्यक्त किया। इस भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल की कुमारी प्रिया, द्वितीय स्थान दरभंगा पब्लिक स्कूल की श्रुति स्वर्णिम एवं तृतीय स्थान एंजल हाई स्कूल की अकीफा नाज ने प्राप्त किया। समापन भाषण में विद्यालय के निदेशक रियाज अली खान ने बताया कि खादी वस्त्र हमारे देश की वस्त्र नहीं संस्कृति है, अतः हमें इसका उपयोग करना चाहिए एवं मंच संचालन सच्चिदानंद कुमार के द्वारा किया गया।
थलवारा गांव में गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु शिविर का हुआ आयोजन, जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। थलवारा गांव में गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु शिविर का आयोजन दरभंगा जिले के हनुमान नगर अंचल अंतर्गत थलवारा गांव अवस्थित उच्च विद्यालय में आज एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 50 गर्भवती महिलाओं की क्लिनिकल एवं पैथोलॉजिकल जांच की गई और वंडर ऐप पर डाटा अपलोड किया गया। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने हनुमान नगर PHC द्वारा थलवारा गांव में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की अत्यंत अच्छी पहल है। उन्होंने अन्य गांवों में भी ऐसे अनेक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करने पर जोर दिया। शिविर में उपस्थित सिविल सर्जन, चिकित्सकों एवं पारा चिकित्सा कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वंडर ऐप से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का डिजिटली मॉनिटरिंग करना आसान हो गया है। वंडर ऐप में प्रत्येक गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण डाटा शुद्ध प्रविष्टि की जाए। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अमुक गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान कोई जटिल समस्या उत्पन्न होती है तो वंडर ऐप के से अलर्ट जारी हो जाएगा। उन्होंने सभी चिकित्सकों से कहा कि वंडर ऐप से जिन महिलाओं का अलर्ट जारी हुआ है उन सभी महिलाओं को तुरंत समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए ताकि गर्भवती महिला एवं बच्चे के जीवन पर कोई खतरा न हो। जिलाधिकारी ने प्रत्येक गर्भवती महिला की अलग फाइल बनाने को कहा है, इससे उक्त महिला को आगे भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में आसानी होगी। शिविर में सिविल सर्जन डॉक्टर AK झा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हनुमान नगर, अन्य चिकित्सा पदाधिकारी, DPM, ANM, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं बड़ी संख्या में महिलाएं एवं परिजन उपस्थित थे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटे। मिथिलांचल का गौरव, 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। रूप अलंकार ज्वेलर्स, 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान। शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को। विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज, रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन। कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। लाइफ स्टाइल, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, कन्वोकेशन कॉमनिक, द 10th एनुअल कन्वोकेशन ऑफ द LN मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा शैल बी हेल्ड ऑन 12th of November 2019 एट डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम, LN मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा। स्टूडेंट्स ऑफ द फॉलोइंग examinations desirous टू रिसीव their degrees इन person एट द convocation में सबमिट their application ओनली थ्रू ऑफलाइन टू द कंट्रोलर ऑफ examinations फ्रॉम 16th September 2019 टू 12th October 2019 ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स पॉजिटिवली। सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ examinations MA, MSc, MSc बायोटेक्नोलॉजी, MCOM एग्जाम्स 2019। सीरियल नंबर 2, MED एग्जाम्स 2019। सीरियल नंबर 3, MBA एग्जाम्स 2019। सीरियल नंबर 4, PhD डिलीट एग्जाम्स रिजल्ट पब्लिश्ड इन बिटवीन 1st January 2019 टू 30th September 2019। द एप्लीकेशन फॉर्म, रिक्विजाइट फी एंड अदर डिटेल्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.lnmu.ac.in बाय ऑर्डर ऑफ द वाइस चांसलर रजिस्ट्रार LN मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन।
ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फ्रंट लाइंस पर। संगीनों के साए में पड़े वोट, समस्तीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में मतदान संपन्न। आधी आबादी ने भी खूब दिखाया दम, बढ़ चढ़कर लिया मतदान में हिस्सा। आकर्षण का केंद्र बने रहे आदर्श मतदान केंद्र। लगातार कार्यरत रहा कंट्रोल रूम, डीएम एसएसपी स्वयं करते रहे मॉनिटरिंग। तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चियों की मौत, गांव में पसरा मातम, बिरौल प्रखंड के पर्री गांव में हुआ हादसा। खादी वस्त्र नहीं विचार है, इस विषय पर स्कूली बच्चों ने रखी बेबाक राय। न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। हलवारा गांव में गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु शिविर का हुआ आयोजन, जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। और पुलिस सेवा सामाजिक दायित्व का निर्वहन, बोले डॉक्टर मुख्तार, सीएम कॉलेज दरभंगा में दारोगा परीक्षा के लिए। पुलिस सेवा सामाजिक दायित्व का निर्वहन, बोले डॉक्टर मुश्ताक अहमद, सीएम कॉलेज दरभंगा में दारोगा परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग। पुलिस सेवा सामाजिक दायित्व का निर्वहन, बोले डॉक्टर मुश्ताक, सीएम कॉलेज दरभंगा में दारोगा परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग। पुलिस सेवा मात्र रोजगार पाना नहीं है, बल्कि सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी है। इस सेवा में यदि अपने अधिकार के साथ कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन हो तो पुलिस के प्रति आदर भाव बढ़ता है। उक्त बातें डॉक्टर मुश्ताक अहमद, प्रधानाचार्य सीएम कॉलेज दरभंगा ने कहीं। डॉक्टर अहमद कॉलेज में बिहार पुलिस सेवा में अवर निरीक्षक दारोगा पद की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर अहमद ने कहा कि बिहार में पुलिस बल की कमी है, आज हमारे युवा बेरोजगारी का रोना रोते हैं लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा से भागते हैं, जबकि अधिकतर सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा को अनिवार्य बनाया गया है। डॉक्टर अहमद ने कहा कि यह निःशुल्क कोचिंग अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है और गैर अल्पसंख्यक वर्ग के 15 छात्रों को जाँच परीक्षा के आधार पर चयनित किया गया है। नकली वाटर प्रूफिंग बोतल बेचते धराया, नकली सामान भी जब्त। नकली वाटर प्रूफिंग बोतल बेचते धराया, पीडी लाइट कंपनी के प्रतिनिधि ने पुलिस के साथ की छापेमारी। अशोका ट्रेडर्स से नकली डॉक्टर फिक्सिट की 13 बोतल जब्त। कंपनी के ओरिजिनल प्रोडक्ट के बदले नकली प्रोडक्ट बनाकर मुनाफा कमाने का धंधा झंझारपुर में जोरों से चलने लगा है। रविवार को दिल्ली से आई पीडी लाइट कंपनी के प्रतिनिधि ने पुनीत ढींगरा ने ऐसे ही नकली प्रोडक्ट बेचने वाले व्यापारी को पुलिस की मदद से रंगे हाथ पकड़ा है। धराया धंधेबाज अशोक कुमार कामती का पुत्र सुभाष कुमार है। वह वार्ड 13 में रक्तमाला स्थान के बगल में अशोक ट्रेडर्स के नाम से दुकान चलाता है। कंपनी के प्रतिनिधि श्री ढींगरा ने बताया कि पीडी लाइट की प्रचलित प्रोडक्ट डॉक्टर फिक्सिट है। आप भी जो है ना, इसको नीचे रख दो, इसको रखो नीचे। ये हमारा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का एक प्रोडक्ट है, डॉक्टर फिक्सिट LW प्लस। उसकी डुप्लीकेसी यहाँ पे झंझारपुर में हो रही थी, उसी की हमने कार्रवाई लोकल पुलिस ने कार्रवाई करी है। मैंने आवेदन दिया था, उसी में माल पकड़ा गया है। टोटल एक शॉप से 13 बोतल 5-5 लीटर की जो हैं वो रिकवर हुई हैं।
मधुबनी जिला में एक फुलपरास थाना क्षेत्र में भी वहाँ पे लगभग 200 लीटर माल वहाँ पकड़ा गया है, और खुटवाना थाना क्षेत्र में भी 10-15 लीटर वहाँ से भी रिकवर हुआ है। ये हमारा ये कंक्रीट में मिलाया जाता है ताकि दीवारों में सीलन वगैरह ना आए, उससे बचाने के लिए वाटरप्रूफिंग इसको बोलते हैं। असली और नकली की सबसे जो इजी में पहचान, अगर आप दुकान में कोई जाए तो प्रोडक्ट उठाने के बाद उसको शेक करे, उठा के उसको हिलाए, अगर उसमें आवाज़ नहीं आ रही है तो समझिए वो प्रोडक्ट जेन्युइन है, अगर उसमें से कोई आवाज़ आ रही है जैसे पतले पानी की आवाज़ आती है तो वो डुप्लीकेट है। बेलाराही गांव के शंकर कुमार पटना में सम्मानित। बेलाराही गांव के शंकर कुमार को राजधानी पटना में केयर इंडिया के निदेशक ने किया सम्मानित। राजधानी के पीएनएम मॉल में केयर इंडिया के निदेशक सपाटी प्रमुख डॉक्टर हेमंत शाह ने कालाजार उन्मूलन अभियान को सफल बनाने हेतु शंकर को मेडल, मोमेंटो एवं उत्कृष्टता प्रमाण पत्र के साथ नवाजा। जयचारपुर अनुमंडल के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार बोर्ड इंटर सेंटर परीक्षा शुरू। झंझारपुर अनुमंडल के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार बोर्ड इंटर सेंटर परीक्षा शुरू। आगामी वर्ष 2020 में होने वाली वार्षिक इंटर बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा बोर्ड ने अभी से कमर कस लिया है। फाइनल परीक्षा से पूर्व प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटर सेंटर परीक्षा विगत शुक्रवार से शुरू हो गई है। झंझारपुर अनुमंडल के केजरीवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय, MPT प्लस टू उच्च विद्यालय, RS प्लस टू पार्वती कन्या लक्ष्मी उच्च विद्यालय झंझारपुर, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल लखनऊ, धारावती जमा दो विद्यालय लखनऊ, उच्च माध्यमिक विद्यालय चनौरागंज, लालदास जमा दो विद्यालय खड़ुआ आदि स्कूलों में यह परीक्षा 24 अक्टूबर तक ली जाएगी। रुकिएगा। ये थे अब तक के समाचार, बिता लेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। संगीनों के साए में पड़े वोट,
समस्तीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में मतदान संपन्न। आधी आबादी ने भी खूब दिखाया दम, बढ़ चढ़कर लिया मतदान में हिस्सा। आकर्षण का केंद्र बने रहे आदर्श मतदान केंद्र। लगातार कार्यरत रहा कंट्रोल रूम, डीएम एसएसपी स्वयं करते रहे मॉनिटरिंग। तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चियों की मौत, गांव में पसरा मातम, बिरौल प्रखंड के पर्री गांव में हुआ हादसा। खादी वस्त्र नहीं विचार है, इस विषय पर स्कूली बच्चों ने रखी बेबाक राय। न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। हलवारा गांव में गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु शिविर का हुआ आयोजन, जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। और पुलिस सेवा सामाजिक दायित्व का निर्वहन, बोले डॉक्टर मुश्ताक, सीएम कॉलेज दरभंगा में दारोगा परीक्षा के लिए। यदि अभी तक की खबरें इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। तक लिपसांड में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।